दोस्तों, आपने श्रीमद् भगवत गीता का नाम तो सुना ही होगा। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, जो है, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस त्वकर्मणि। क्या आपको इसका मतलब पता है? चलिए मैं ही आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपना कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें अपने आप ही मिलेगा। तुम्हें सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने कर्म करने में लगाना चाहिए, उसका फल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। यानी कि हमें भी अपना पूरा ध्यान हमारे कर्म में लगाना चाहिए, यानी कि हमारे काम करने में लगाना चाहिए। अगर हम भी अपना पूरा ध्यान अपने काम करने में लगाएंगे तो उस काम में हम सफल हो ही जाएंगे, उसका अच्छा रिजल्ट हमें अपने आप ही मिलेगा। अगर आपको भी कोई कार्य में सफलता पानी है तो आपको भी उस कार्य को करने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, पूरे फोकस के साथ आपको वो काम करना चाहिए। आप उस काम में सफलता हासिल कर ही लोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर आपको उस काम में सफलता मिल ही जाएगी। You do your work, but don't think about its result. इसी तरह हमें भी अपना पूरा ध्यान अपने काम करने में लगाना चाहिए। सक्सेस हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। If you do your work better, then the good result, the success is automatically gets you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड।